सबसे पहले हम गुरुवर आचार्यों को परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वन गोस्वामी ती नामिने। वंदे हम भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यम। श्री राधा एक निश्चितम रसायन कथामृतम संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी नम वनम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षेप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। भजामि राधाम अरविंद्र नेत्रम स्मरामि राधाम मधुरे स्मिताश्यम। वदामि राधाम करुणा भरद्रम ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्री रघुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली रहें और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें ऊपर रखेंगे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। चेहरे पर स्माइल लेके आएंगे और ये स्माइल पूरे मेडिटेशन के दौरान बनी रहे। अपना पूरा ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर ले आएंगे और फोकस करेंगे कि दाहिनी नासिका से या बाई नासिका से सांसें आ रही और जा रही है या फिर नासिका के दोनों छिद्रों से।
यदि कोई विचार बार बार आ रहा है तो 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और उस विचार को सामान्य होने देंगे। विचारों को आने दें और जाने दें। किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश न करें। विचार स्वतः ही आएंगे और चले जाएंगे। बस आप नासिका की दोनों छिद्रों फोकस करते रहें। आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी खुजली या पेन या हैवीनेस है तो आप उसे न करें, केवल उसको साक्षी भाव से महसूस करें और अपने सांसों पर ध्यान रखें।
सांसों पर ध्यान देने के बाद अब आप अपना मन अपने शरीर के सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए। अब आप अपने मन को अपने शरीर के सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब आप अपने मन को अपने शरीर के सामने ठीक 3 फुट की दूरी यानी 1 मीटर की दूरी पर ले आए और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। जैसे जैसे मन आपका दूर होता जा रहा है, आपका ऑरा यानी आपका आभा मंडल भी उतना ही फैलता जा रहा है। इसलिए 3 फुट की दूरी से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। यदि 3 फुट की दूरी पर कोई दीवार है तो उसके आर पार से भी आप अपने मन को देख सकते हैं और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे, किसी भी प्रकार का हिलना डुलना मना है। अब अपने मन को अपने घर के मेन गेट पर ले जाएं और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। अब अपने मन को अपने शहर के बाउंड्री वॉल यानी कि सीमा रेखा तक ले जाएं। अपने मन को अपने शहर के सीमा रेखा तक ले जाएं और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें।
अब आप अपने मन को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां पर जाना आपको बहुत पसंद है। अब आप अपने मन को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां पर जाना आपको बहुत पसंद है, जैसे नदी, तालाब, पेड़ पौधे, बगीचा या कोई हिल स्टेशन, बर्फ के पहाड़, गुफाओं में, जंगलों में, जहां पे भी आपको जाना पसंद है, अपने आप को ऐसे सुंदर स्थानों पर आप लेकर के जा सकते हैं। अपने मन को ऐसे सुंदर स्थान पर आप ले जाएं जहां जाना आपको अत्यधिक पसंद है और आपको प्रसन्नता होती है। वहां जाकर आप एक स्थान पर बैठ जाएं बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में। यह आपका जीवन का अद्भुत क्षण है। जिस स्थान पर इस समय आप बैठे हैं ये आपका बहुत ही सुखदायक स्थान है। अपने सामने अपने परमपिता परमेश्वर को बैठे हुए महसूस करें, मानो वो आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं और आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप अपने जीवन के उन सभी सुखद क्षणों को अनुभव करेंगे जिन क्षणों ने आपको सबसे अधिक प्रसन्नता दी हो। बारी बारी से उन सभी क्षणों को याद करेंगे, उन सभी मोमेंट्स को याद करेंगे जिन्होंने आपको अत्यधिक प्रसन्नता दी हो। उन क्षणों को याद करते हुए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएंगे। चेहरे पर स्माइल रखें और ईश्वर को धन्यवाद देते जाएं। बहुत सुंदर। लगातार अपने उन सुखद क्षणों को याद करते चल रहे हैं जिनके कारण आपको अत्यधिक प्रसन्नता हुई हो,
और आपने आनंद का अनुभव किया हो। और उन सुखद क्षणों को याद करते करते आप अपने बचपन में चले जाएं, उन सुखद क्षणों को याद करते करते आप अपने बचपन में चले जाएं और अपने दोस्तों, अपने रिश्तों, अपने पड़ोसियों के साथ जब आप बहुत छोटे थे तो किस तरह के खेल खेला करते थे, बिल्कुल निश्चल भाव से, निष्कपट होकर, छल रहित होकर उन सबको याद करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। बहुत ईश्वर ने हमें कितनी सुंदर अनुभूतियां दी हैं, कितना सुंदर जीवन दिया है, मानो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख का कोई स्थान न हो। हमें इन सब चीजों के लिए भगवान को अपना धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। इस सुंदर जीवन के लिए हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इन सभी सुखों के आगे हमारे दुख नगण्य है, बहुत बहुत कम है। अब आप अपने मन को उसी स्थान पर ले जाएं जहां पर आपके परमपिता परमेश्वर आपके सामने बैठे हुए हैं। वो आपको सुखी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और आनंदित जीवन के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आप उनको प्रणाम कीजिए और अपने मन को वापस शहर की बाउंड्री वॉल पर ले आए, अपने शहर की सीमा रेखा पर ले आए और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें।
अब आप अपने मन को अपने घर के मेन दरवाजे पर ले आए और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब अपने मन को अपने सामने 3 फुट की दूरी पर ले आएं और 3 फुट की दूरी पर अपने शरीर के चारों तरफ एक सफेद रंग के सर्कल को महसूस करें। ये सफेद रंग का सर्कल आपको हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखेगा। ये कॉस्मिक ऊर्जाएं जो आपके चारों तरफ फ्लो कर रही हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके भाग्य के अंदर इस वक्त महसूस हो रही है। ये आपका ऑरा है, आपका आभा मंडल है जो आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। अब धीरे धीरे अपने आप को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए परमपिता परमेश्वर को और गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद दें जिनके कारण ये संभव हुआ। अब आप अपने हाथ पैरों की उंगलियों को मूव करा सकते हैं। अपनी गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। इसी प्रकार अपने कंधों को आगे की ओर 3 बार और पीछे की ओर 3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। अपनी बॉडी को किसी और रूप में भी आप मूव करा सकते हैं। अपने कंधों को अपने दोनों हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके। आंखें बंद रखें, अपनी हथेलियों को धीरे धीरे रगड़कर अपनी आंखों पर रख करके और आराम से अपनी आंखें खोलें।
अपने कैमरे ऑन कर लें। हाँ जी, तो माता जी कैसा रहा आज का दिन आपका? अरे गुरु जी, आज तो बहुत ही बढ़िया लगा। आज तो अपने मन को अपने उसमें कंट्रोल में चलाया ना, तो बहुत ही वो मुझे ना, जैसे मैं ध्यान में जा रही थी ना, तो मैं नहीं हिल रही, लेकिन अपने आप मेरे को झटके लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? पर मन को बाहर भेज के तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये वो सबका अपने मन, को चलाता ये चलाया सबका मन पसंद है, था। ये वाला मोमेंट ना सबका मन पसंद है। उसको बाहर भेज दो तो सब होशियारी हो हाँ जाते। बिल्कुल, मन को कंट्रोल करते करते हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सुंदर। जब आखिरी में वापस आए ना, तो वो चकरा बिल्कुल आंखों, मतलब थर्ड आई तो बिल्कुल मूव कर रहा था और खुद उससे घूम रहा था। बस बल्कि आज उसको देखा भी नहीं था, चकरा उसको, लेकिन फिर भी आज घूम रहा था वो। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छा है, थोड़ा रूटीन से हटके काम किया आज हमने। हाँ, और एक दिन को परसों के दिन का था, मैंने मतलब रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने आपकी वो जो तो आपने लिंक भेजी थी ना, वो चालू की और ध्यान कर रही थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं पहले मुझे दिखा कि बुद्धा का स्केच दिखा, और उसके बाद में मैं बिल्कुल जैसे ध्यान में गई और अपने आप ही, तो मुझे एक व्हाइट कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसे दिखे, कोई उनका चेहरा नहीं दिखा। उसके बाद मैं नदी किनारे गई और वहां बैठी और बस यूं लुढ़की, और मेरे शरीर मतलब शरीर छोड़ दिया मैंने, और मेरी बॉडी पड़ी हुई, और मैं आराम से उसको देख रही हूँ कि यार शरीर छूट गया, हो गया, वो हाँ शरीर ही छोड़ दिया है मैंने। आप ट्रांस में चले गए ना। बस ये अनुभव हुआ था। चलो वेरी गुड। हाँ जी, ख्याति कैसा रहा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा था, बट बहुत दिन बाद इसमें आए ना, तो थोड़ा मतलब थर्ड आई के जितना इसमें वो शायद मैं कर नहीं पाई है आज कंसंट्रेट, क्योंकि वो उस पे उस रूटीन से हटके ले जाने का प्रयास था आज थोड़ा सा। हाँ हाँ वही कई बार हम बहुत बोर महसूस करते हैं ना एक ही रूटीन में, तो हाँ इसलिए सही थोड़ा बात है चेंज किया था आज हल्का सा। जी। नहीं अच्छा था, बट शायद मैं कनेक्ट थोड़ा कम कर पाई, ठीक है। होता है ना कभी कभी, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तिवारी जी कैसा रहा आपका? आप अनम्यूट कर लीजिए। आपने जहां जहां की यात्रा करवाई, हर उस जी जगह पर महसूस किया मैंने अपने को। वेरी गुड। हर स्थान पर मुझे बहुत अच्छा लगा जहां पर आपने पहुंचाया। चित्रकूट जी बिल्कुल की यात्रा मुझे बहुत पसंद है, मंदाकिनी अच्छा जी। का किनारा, वो हाँ मछलियों का घूमना वहां पर, तो हाँ हाँ बिल्कुल वहीं पर बैठ करके आज आपने वो आनंद दिलाया। बहुत सुंदर। तो कुल मिलाकर के बॉडी के कुछ हार्मोन्स आज चेंज हुए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग सा स्पंदन महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आशु जी आप बताएं। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे हाँ जी, बहुत कृष्णा दिनों के बाद ये यात्रा की, जी। बहुत ही हाँ अच्छा लगा। फिर जब आपने बोला मतलब दर्शन करने के लिए, तो मैं तो कैलाश ही पहुंच जाती हूँ, और सामने अपने शिव को देखा और मुझे जो आंसू आए मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत रोई हूँ, और वो मुझे स्माइल करते हुए देख रहे हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया। मैं भी स्माइल कर रही हूँ, मैंने एफर्ट नहीं लगाया रोने का, लेकिन वो बहुत आंसू आए, बहुत रो, मेरे पूरे कपड़े भीग गए हैं।
इतना नहीं रोना है आंसू मुझे। तो आना स्वाभाविक है। हाँ जी एक है ना, एक दोहा है, पद है एक, कि हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ा दुख क्या है, कि जी हमें उन चरणों में पहुंचना है जहां से हम बिछड़ गए, है हाँ जी, ना। हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से हाँ, बिछड़ी हुई है ना। तो हम सुख सुख निधान हाँ भगवान के अंश हैं, और जी हम अपने पाप कर्म की वजह से तो बिछड़ गए। हमने माया को हाँ देख जी, लिया, हमें देखना था भगवान भगवान की तरफ और जी हमने देख लिया माया की तरफ। को। तो एक है ना उसमें पद के, तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे, या पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर। ये जो 84 जन्म में जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको मिटाने के लिए हम बार बार प्रार्थना करें, तभी तो हम भगवान से मिल पाएंगे। बिल्कुल हाँ जी तो हमें कष्ट क्या होता है, हमें कष्ट होता है हमारे इस रिश्तेदार ने हमें दुख दे दिया, इस रिश्तेदार ने दुख जी दिया, जबकि वो दुख नहीं है। नहीं दुख सबसे बड़ा क्या है कि हम भगवान से बिछड़ गए, तो छोड़े। उससे मिलना है। बहुत अच्छी अनुभूति हुई अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, चलो अच्छा है मतलब बड़ा सुखद सा अनुभव हो रहा है इस जी, वक्त। बहुत हाँ जी, सुंदर। उस वक्त भी हो रहा था, भले ही आंसू आ रहे, हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी दिव्य अनुभूति फील कर रही हूँ मैं, तो बहुत दिन के बाद। बहुत ये दिन के यात्रा बाद। बड़ी अच्छी है जो आप करवाते हो, तो हाँ, लेकिन अब करें क्या, हमें मैं बहुत सारे चीजों पर फोकस कहती करना होता है। थर्ड आई का हमारा एक चैप्टर है, वो तो उसको चैप्टर को तो कंप्लीट करना ही है ना, थर्ड आई वाले को। हूँ। हाँ जी हाँ जी चलो अच्छा है। पूर्णिमा कैसा रहा आपका? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा भैया बहुत बढ़िया रहा, आप जी। वो चीजें याद दिला देते हो जो सच में, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम इतना बिजी है ना अपने दुखों को काउंट करने में, छोटी हाँ, छोटी खुशियां जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी खुशियां, भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उनको भूल जाते हैं, और उनको याद रखना ज्यादा जरूरी है। ये कई बार कहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बचपन में या इतनी छोटी से छोटी चीजें याद आती है ना उस टाइम पर, जो कॉन्शियस ब्रेन से तो बिल्कुल ही गायब है। तो बहुत बढ़िया था ये, तो है ही। हम आशु जी और हम लोग इतनी बार कर चुके हैं, तो फेवरेट है हम लोगों का। मतलब जैसे और आपने बोला बाहर देखो, मैं कहा आज तो मजा आ मजा आ गया गया आज बारिश तो। हो रही है भैया हाँ घुमाने, और लिटरली मैं कह रही हूँ भैया कहाँ बाउंड्री पे ले जा रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है बाहर, और यही भैया छोड़ दें। देखो यही जो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत मेन बढ़िया। चीज क्या है, आप इस कंसेप्ट को समझो, ये जी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये आपके डेली रूटीन का पार्ट बनना चाहिए। देखो जी हमने तो यहाँ पर 15 15 मिनट में यात्रा की, तो आंसू जी आंसुओं से नहा गई, है ना। हमें वास्तव में रोना है, किसके लिए रोना है, भगवान के लिए रोना है। कभी रोते हैं हम भगवान के लिए? नहीं रोते हैं। हम किसके लिए रोएंगे, उसने हमारा दिल दुखा दिया, उसने हमारा दिल दुखा दिया। अरे वो तो हमारे अपने कर्माज हैं, हमने उनका दिल दुखाया हुआ किसी जन्म में, तो वो दुखा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें भगवान को याद कर करके रोना है। अब एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक कथा सुनाते हैं गुरुदेव के। हम जो है उसमें एक कृपालु महाराज जी भी कभी कभी सुनाते हैं कि हम भगवान को रोजाना भोग लगाते हैं, है ना। तो क्या कभी पलट के देखते हैं भगवान ने कितना खाया? नहीं, है ना, नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान ने, अरे भगवान थोड़ी खाएंगे, और हम भोग उठाते हैं उसको, और हम उसको मिक्स करके बाकी में फिर उसको प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। पर हमें ये चिंता नहीं होती है कि भगवान ने उस थाली में से आज क्या खाया, जबकि हमें क्या करना है, हर दिन भोग लगाना है और उस थाली में देखना है कि आज क्या खाया भगवान ने। और अगर नहीं खाया तो फिर हमें रोना है, क्यों नहीं खाया, है ना, हर दिन हर दिन। क्योंकि हम तो ये जानते हैं ना, अरे वो खाते नहीं है, तो जब इतना अविश्वास है भगवान के प्रति, तो फिर भोग लगाते क्यों है। तो भगवान के प्रति यदि विश्वास है, तो भोग लगाने के बाद चेक करना है ना कितना खाया भगवान ने। पर ऐसा भाव नहीं आता ना मन में, तो हम इतने बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए अपनी इस दिनचर्या में, फिर हम दोष किसको दे रहे हैं, भगवान को। भाई तेरी वजह से हम दुखी हैं, उसकी वजह से दुखी नहीं है, दुखी हम अपनी वजह से हैं। हमने ऐसे कुछ कारण कर दिए जिसकी वजह से हमारी लाइफ दुख में हो गई।
अदरवाइज आप ये 15-20 मिनट को अगर ध्यान रखें तो आपकी लाइफ में आनंद है, बहुत आनंद है, आनंद है, पर हम महसूस नहीं करते। ये लाइफ में आनंदी है, ये तो बस नजर का फेर है, तो हमें दुख दिखते हैं। और ये फिलोसफिकल बातें नहीं है, दर्शन शास्त्र की बातें नहीं है, ये आप वास्तविक देखिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप दिन में 5 मिनट निकाल करके अपने सुखों को भी याद कर लेंगे ना, आपके हार्मोन्स पूरी तरह से बदल जाएंगे, बिल्कुल, आपकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी बॉडी की, बिल्कुल बिल्कुल। पर हमारे पास समय नहीं है ना, वक्त नहीं है, हमें दुख याद, दुख याद, याद करने की आदत है ना, दुख याद रखने की आदत है, नहीं समय भी है, हम लोग आप कहते हैं सही, हम लोग बस बुद्धि इंसान है, ये नहीं है, ये वही बात है, ये चलो अच्छा है, बाकी परमेश्वर से मिलके इतना आनंद आया, अपने आप ही ऐसा चेहरा कहते हैं ना 2000 डिग्री पे स्माइल करने लगता है, थैंक यू। में हमें एक यात्रा करवा ही देना सभी को जो भी आपके साथ जुड़े होंगे। कौन सी यात्रा? मैंने कहा सचमुच की यात्रा भी करवा ही देना कोई। हाँ, हाँ, जो बिल्कुल, जो हमारा ये मेडिटेशन पूरा हो जाएगा ना, जो भी आपका संकल्प है। ये संकल्प भी आप सबके लिए है, ये संकल्प भी आप सबके लिए है। आपका संकल्प हमारा संकल्प है। ये 70 डेज मतलब बहुत बड़ा मैंने वो एक रखा कि हम देखें सही कि हम उसको कंटिन्यू कितना करते हैं। चलो पॉजिटिव रहेंगे तो हाँ, हो ही जाएगा, 3 महीने भी तो हो ही गए हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। नहीं नहीं आशु जी जरूर चलेंगे घूमने, आगे दिमाग हाँ नहीं जाएंगे। जगह भी हो गई फाइनल, दिमाग में भी जगह फाइनल हो गई है, ठीक है, तो आएगा उनको ले चलेंगे। हाँ, मीरा जी आप बताएं, मीरा जी आप वीडियो ऑन करके बताएं। राधे राधे। कोई बात नहीं, आप कर रहे तो डे नहीं लेके आ रहा है, कोई बात नहीं, आप वीडियो रहन दीजिए, आप बताइए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है हमें। मुझे तो सब कुछ बिल्कुल नया नया सा लगा कि अब मैंने कुछ ज्यादा सीखा तो है नहीं। हाँ, जब आप जैसे सांसों को दूर पहुंचाते हैं थोड़ा थोड़ा आगे करके, तो आपने ये कहा कि गेट पे पहुंचो, तो अजीब सा लगा कि कैसे पहुंचे, फिर मन को कि मन चलता है वहां पे, मन जाएगा, तो आपने वहां बाहर भेजा, तो मैंने कहा कौन सा स्थान चुने, पहले तो इधर मेरी बहन रहती है गोगांव की तरफ, उधर गए तो कुछ समय नहीं आया थोड़ा सा कि कहाँ ये नहीं है, फिर हम शीतला माँ के पास चले, तो हमने वहां पे महसूस किया कि माँ के पट बंद रहे खुल रहे हैं, और फिर माँ के वापसी में माँ के दर्शन हुए पहले दिन। मुझे स्थान बहुत ही पसंद है, सभी तरह के जो आप बताते रहे, पहाड़ी क्षेत्र इस तरह के घूमने को कहीं गए हैं, लेकिन मुझे समुद्र किनारा बहुत पसंद है, तो वहां पर हम बैठ गए, तो कल मैंने ऐसे कुछ सीन देखे थे इसमें वीडियो में, तो वो मुझे कुछ सीन दिखाई पड़े अच्छा लगा, फिर मेरे तो प्रिय माँ के भी आ रही है, आपने सामने कहा तो मुझे पहले बाल भी तुम दिखाई दिए, फिर वैसे मुस्कुराते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं गोदी में उठा ली, पर ये चीजें काफी अच्छी लगी, बहुत मतलब ये चीज लगा कि मुझे अभी बहुत कुछ पाना है, मुझे आप जो दे रहे हैं ये मुझे पूरे दिन में फ्री रहती हूँ, तो हम सोचते हैं पूरे दिन इसी का अभ्यास करते हैं। अच्छा एक बार बताओ मुझे ईमानदारी से, आज का दिन कैसा जाने वाला है आपका? बहुत अच्छा रहेगा दिन, हम कुछ करते तो है नहीं, और हमें कल ही 2-4 दिन में ही ऐसा अनुभव हुआ, एक हादसा, मतलब घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं कि मुझे फिर बहुत परेशान करते थे पूरे दिन, तो मुझ पर कोई असर नहीं हुआ उस बात का, बहुत सुबह कोई मतलब नहीं, थोड़ी दिमाग में मस्ती बनी रही, बहुत परेशान हो जाते थे, वही रखना है अभी जो अनुभव आपने इस 15-20 मिनट में किया ना, वही पूरा दिन एहसास रखना है, छोड़ दो बाकी सब चीजें, ठीक है, उनको नहीं पता ना जीवन का आनंद, आपको पता लग गया ना, बस आप इसी आनंद में रहिए, बस आप जी, प्यारे के अनुभव जो है भगवान के, बहुत सुंदर, अनुभूतियां वृंदावन में घूमना, ये मुझे बस इससे बड़ा, उससे बड़ा आनंद और क्या है, छोड़ो बाकी सब चीजें,
ऐसे एकांत में यही सफर किया गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी शुरू में इससे ही आदत है कि अगर किसी घर में टेंशन अगर हो जाए तो हम वृंदावन में ही चले जाते थे। अब वो चीज आज आपने पूरा भ्रमण करा दिया समुद्र किनारे तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप ठीक रहिए। सारिया हेलो सर। सर आज तो आपने अलग अलग मिक्स इमोशन ला के रख दिए अंदर। अभी निकल गया ना टॉक्सिन सारा बाहर। हाँ तो आज तो मुझे अलग ही महसूस हो रहा था कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत खुश हूँ, और जब आपने कहा कि सबसे अच्छी जगह पे जाओ, मेरे दिमाग में तो सबसे अच्छी जगह जो है वो एक मेडो है जहाँ पे मैं बैठ के, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना, तो वहां पे बैठ के एक अलग ही एहसास हो रहा था कि हाँ आज कुछ डिफरेंट फील हुआ है काफी दिनों के बाद। फिर आपने जब कहा कि आप बचपन में जाइए और अपनी पुरानी जो मेमोरीज है वो याद कीजिए, वो याद करके रोना ही जैसे होता ना कि निकल आया, तो वो एक मिक्स्ड इमोशंस आज इन 15 मिनट में वो फील किए मैंने, तो बहुत अच्छा ही लगा मुझे क्योंकि डिफरेंट था आज काफी हटके काफी दिनों के बाद, तो ओवरऑल कमाल आज तो कमाल था। मालूम है ऐसा कमाल हमने 100 दिन जो कंप्लीट किए थे ना उसमें कई बार किया ऐसा कमाल, जो पुराने सदस्य हैं। हाँ आप सब लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, लेकिन जो पुराने मेडिटेटर्स हैं उन्होंने कई कई बार इसको आनंद की अनुभूति की है। हमने बहुत सारे प्रयोग ऐसे किए और बहुत सारी ऐसी जगहों पर हम लोग गए जहाँ पर हमने हारमोन्स को चेंज किया, हमने बहुत सारी चीजों को ठीक किया अपना। तो ठीक है, ये अब आप लोग नए हैं तो क्या हुआ, आप सभी को वो सारी चीजें मिलेंगी जो पहले हो चुकी हैं, पर चूंकि हमें त्राटक को भी कंप्लीट करना है तो बीच बीच में हम त्राटक भी कंप्लीट करेंगे। भैया ने कभी हम लोगों को वर्ल्ड मैप में पहुंचा दिया था, कभी इंडिया के मैप में, बहुत जगहों पे घुमा कर लाए। तो अच्छा है, आप लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है, यही हमारा जो है एक तरह से वार्ड है। श्रुति कैसा लगा? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। जैसे सब बोल रहे हैं आज तो मतलब मजा ही आ गया। अगर पूरे एक्सपीरियंस को समराइज करना तो सर वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो गए, बहुत खुशी महसूस हो रही है, और आपने इससे मिलवा दिया, अपनी फेवरेट जगह पे पहुंचा दिया, और बचपन की मेमोरीज इनर चाइल्ड इन्वोक हो गया सर उससे ना, तो इनफैक्ट मैं ना कल सोच ही रही थी कि आपको बोलूंगी कि कुछ पुराना करो क्योंकि बहुत ये लंबा हो गया, तो मेरी विश पूरी हो गई सर आज। एक्चुअली वो बहुत टिपिकल हो गया ना त्राटक करते करते, वो बहुत मतलब बहुत टिपिकल एक्सरसाइज है ये, तो थोड़ा लगता है इसके चेंज होना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप पूरा दिन में प्रोफेसर होंगे, आप पूरा दिन में एस्ट्रोलॉजर होंगे, पूरा दिन में मेडिटेटर होंगे, पूरा दिन में हीलर्स होंगे, पूरा दिन में कोई बॉस होंगे, कोई मैनेजर होंगे, कोई कुछ होंगे, कोई कुछ होंगे, पर बच्चा तो नहीं होंगे ना। यही एक ऐसा समय है यहाँ पे आपको बच्चा बन के बैठना है, भूल जाओ आप किस एज ग्रुप के हो। अगर आप ये भूल गए ना कि मैं इस एज ग्रुप की हूँ या इस एज ग्रुप का हूँ, तो आप इस मेडिटेशन के इस प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि कहीं तो हम बच्चे हैं ही ना, अपने पिता अपने पेरेंट्स के आगे, अपने भगवान के आगे, अपने परमपिता परमेश्वर के आगे, अपने अल्लाह के आगे, कहीं तो किसी न किसी के सामने तो हम बच्चे हैं ही। तो एक क्षण ऐसा जी लो जिसमें आप बच्चे बन के जी लें, फिर देखो कितना आनंद आता है। जब आप छोटे थे तो आपको कोई परवाह नहीं थी, परवाह थी तो जिनको थी उनको थी, आपको नहीं थी, बस निकल जाते थे घर से। तो वैसा ही क्षण ये 15-20 मिनट आधा घंटा आप महसूस कर लो, आपकी दुनिया भर की बीमारियां ऐसी खत्म हो जानी है, क्योंकि वैसा जीना छोड़ दिया हम लोगों ने। तो सब बच्चे प्रेजेंट में जीते हैं ना, हम लोग पास्ट में या फ्यूचर में जीते हैं।
हम क्या करते हैं ना, हम प्रेजेंट में तो जीते ही नहीं, हम या तो पास्ट की चीजों को याद करके दुखी होते हैं या फिर हम फ्यूचर की चिंता में हमेशा उसको बनाते रहते हैं, फ्यूचर के लिए ये करना है ये करना है, पर प्रेजेंट में जो चीजें हैं ना इनको कभी जी ही नहीं पाते। और जबकि हमें पता है कि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छे से पता है कि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? अभी मैंने आपको बोला हरे कृष्णा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा, तुरंत पास्ट हो जाएगा। तो ना तो फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा ना प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा, जो पास्ट चला गया इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, फिर हमें टेंशन किस बात की हो रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ना फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा है, ना प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना पास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर टेंशन किस बात की है, मस्त हो जाओ ना, फिर आनंदित हो जाओ। तो इसलिए इस क्षण को अच्छे से जी लो, फिर ये पूरा दिन जो एहसास आएगा ना ब्रह्म मुहूर्त का, जो ये एहसास आपने जी लिया, ये पूरा दिन आपका आनंद से भर देगा। ठीक है, हाँ राजबाला जी आप बताएं। राजबाला जी कहाँ है भाई आज? यहीं पे हो सर। हाँ सर, पता है क्या, जैसे आप बोलते हो ना कि अपने आप को वहां लेके जाओ, सुखद के पलों को महसूस करो, तो सर मैं, मुझे तो अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं और मुझे लगता है मैं उनके लिए काम, वो खाना बना रही हूँ, वो खाना खा रहे हैं, मैं उनके साथ रह रही हूँ, बस ये चीजें मुझे फील होती हैं। तो उनका उनके हाँ उनके साथ जो हमें जो खुशी के पल होते हैं बस वो महसूस करती हूँ मैं, ज्यादा वो नहीं करती। और हाँ, और जो बाकी आप जो इमेजिन कराने की कोशिश करते हो, जैसे पहाड़ पे जाओ झरने पे जाओ, तब हम उनको देखने लगते हैं, बस ये चीज है। और ईश्वर भगवान का जो भी आप इमेजिन करने के लिए कहते हो वो भी हमें काफी अच्छा लगता है। मतलब आपका एक तो ये जो आप हमें कहीं और ले जाते हो, दूसरा एक वो जो अचीव को प्राप्त करने के लिए आप बोलते हो ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है जब अचीव को प्राप्त करने के लिए आप बोलते हो। तो ये दोनों चीजें काफी अच्छी है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इसको तो 10 मिनट कोई इंसान अगर कर ले ना डेली का, तो मतलब वो सब वो मेडिटेशन ही है, एकदम ध्यान है। कोई इंसान तो बात की बात है, कोई करे ना करे आप कर लो बस, सुन ली। हमें पहले अपने आप को ठीक करना है इस मामले में, तो हमें सेल्फिश होना है सबसे पहले कि हम पहले अपने आप को ठीक करें। आज मैंने बेटी को जगाया, नहीं उठी, मैं नहीं कर रही। अब जब बताओ सर मैं क्या करूं, जब वो 2 दिन जुड़ेगी या फिर 2 दिन नहीं जुड़ेगी, तो फिर क्या फायदा उस चीज का? कोई बात नहीं, सर काफी अच्छा था, तभी हम बैठते हैं, काफी अच्छा लगता है। चलो गुड गुड। हाँ सुमित्रा जी फ्रॉम नेपाल कहाँ है भाई? ये लौटी नहीं क्या वहां से? लड़ाई को ढूंढ रहे होंगे। अच्छा हाँ, आपकी आवाज, आप आवाज अपनी ओपन करो, अपनी अनम्यूट करो। सर मैं घर पर ही हूँ और अभी नहीं लौटूंगी कुछ महीने। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो मैं आज भी लेट हो गई, कल भी लेट हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो जितना भी अनुभव है बहुत अच्छा था। वेरी गुड। माता जी कह रही हैं कि थर्ड आई ढूंढ रही होंगी इसलिए लेट हो गई। चलो ठीक है ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग जरूर देखना। हाँ ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, गुरुवर आचार्य को धन्यवाद करते हैं, कल 4:45 पे मिलेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सबका मंगल हो, हम सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। कल मिलते हैं और कल से कार्तिक स्टार्ट हो रहा है, कार्तिक मंथ। तो इस कार्तिक मंथ में कम से कम आप भगवान श्री कृष्ण को एक बार सुबह या शाम को दीपक जरूर अर्पित करें, दीपक जरूर दिखाएं। उसके लिए एक दामोदर अष्टकम है, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। उसको गाते हुए यदि आप दीपक दिखाएंगे भगवान को तो उसका फल बहुत सुंदर होता है। वो कथा भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? एक महीने का है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आज आपको मतलब खुद को नहीं देख पाए, इसमें कोई कमी हो मेरे, इसमें मालूम हुई है उधर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोबाइल में आपको शायद वो आया नहीं होगा ना आपको कि किस तरह से वीडियो ऑन करना है। नहीं, वो तो दबाते हैं उंगली तो उसमें वीडियो लेके आ रहा है, वीडियो स्टार्ट, लेकिन उसको दबाते हैं तो मेरी तरफ से तो ओपन है। नहीं, इस फिर इसमें ये हम जब उसको दबाते हैं तो उसमें लेके आता है अनेबल अनेबल ए टू एक्सेस कैमरा प्लीज एलिव जूम ए टू एक्सेस योर कैमरा फ्रॉम डिवाइस सेटिंग। हाँ, तो वो सेटिंग ठीक करनी पड़ेगी। तो आप तिवारी जी, आप देख लेना एक बार कि क्या दिक्कत ऐसे है। रोज ही भाई करते हैं, कल तो अपने आप ओपन हो गया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा। हो सकता है कोई सेटिंग टच हो गई होगी आपसे, वो सेटिंग ठीक करनी पड़ेगी उसकी कैमरा की ना। जी ठीक है, फिर ठीक है। राधे राधे। तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर आपने मेरी आवाज सुन ली होगी, तो आप एक बार देख लेना इनकी सेटिंग। ये कह रहा हूँ मैं, हाँ, दिन में किसी समय आपसे बातचीत करना चाहें तो क्या समय उपयुक्त रहेगा? मेरा तो देखिए, फोन उठा लिया तो उपयुक्त है, फोन नहीं उठा पाया तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। जी, क्योंकि जब पेशेंट सामने होते हैं तो पेशेंट के साथ में फोन नहीं उठा पाता हूँ। जी जी जी। और लेकिन यह है कि आपकी मिस कॉल मेरे फोन में होगी तो मैं जरूर उठा लूंगा, बाद में मैं कॉल बैक कर लूंगा। जी, ठीक है। ठीक है जी, आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण।